हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम जा रहे हैं इतने बड़े प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने, उसकी नहीं इसकी करने, जो कि है बेस्ट वे का मियामी स्पा। हाँ, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आने वाला है, ये उनमें से एक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, तो जाइए सब्सक्राइब करके आइए, उसके बाद हम शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करना। करें शिवाय शुरू। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने ये स्पा की, जो कि आता है बेस्ट वे का मियामी स्पा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉक्स पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें मेंशन है, उसके बाद फिर इसको हटा के अनबॉक्स करके खोल के नहा के धो के सब कुछ देखेंगे कि ये कैसा है, लेने लायक है कि नहीं है। तो करें शिवाय शुरू। तो उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा, यहाँ पे आओ। तो दोस्तों, जो हमारे को ये स्पा मिलता है, ये मिलता है ये ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्स में। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक प्रोटेक्टिव बॉक्स है जिसके ऊपर इसकी चीजें मेंशन करी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर, कितने लीटर्स का है, क्या है, और भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन, बारकोड और इसकी डायमेंशन। और इस साइड में मिलता है हमारे को ये इसकी शेप, जिस शेप का ये है। तो दोस्तों, इसको हटाने के लिए हमारे को इसको खोलने की यहाँ से जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ हमारे को अपलिफ्ट करना है। जो ये प्रोटेक्टिव बॉक्स है, ये यहाँ से हट जाएगा, ये हम ऊपर करके स्ट्रेच करके इसको निकाल लेते हैं और ये आराम आराम से निकल जाएगा, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो दोस्तों हमने हटा लिया है इसका ऊपर का बॉक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पीछे से आपको नहीं दिखाई दे रही होगी फोटो, ये रही फोटो। तो हम जा रहे हैं इस वाले स्पा की अनबॉक्सिंग करने। तो दोस्तों, अगर मैं बॉक्स की बात करूं, बॉक्स तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड बॉक्स है। इस पर लिखा हुआ है कि हम इसके ऊपर चढ़े ना और इसको ब्लेड से, शार्प ऑब्जेक्ट से ना काटें, और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। बाकी इसके फंक्शंस आप देखो तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लेजी स्पा है, क्या कैसे हमें इसको इंस्टॉल करना है उसकी थोड़ी सी चीजें इस पे बताई गई हैं, और इसको लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे एक हैंडल भी दिया हुआ है दोनों तरफ। इसका जो दोस्तों कंट्रोल पैनल होगा अंदर, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इसमें लॉक अनलॉक बटन है, टाइमर है, एयर बबल्स जो आते हैं, इसमें स्पा है तो एयर बबल्स तो आएंगे ही, हीट का ऑप्शन है और टेम्परेचर ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है, और यहाँ पे इसके बारे में टेम्परेचर डिफाइन किया गया है, डिस्प्ले है। करें शिवाय फिर अनबॉक्सिंग इसकी। तो इस साइड को भी तो बताना पड़ेगा। तो इस साइड दोस्तों इसके बारे में बताया हुआ है कि अंदर से कैसी लाइनिंग आती है इसके, और सॉफ्ट इंसुलेटेड फ्लोर है इसकी। यहाँ पे भी हमारे को इसको उठाने के लिए ये दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका एक कवर भी आता है साइड में, और इसका जो पैनल है उसको कंट्रोल करने के लिए बारे में बताया हुआ है। इसमें हमारे को फिल्टर भी मिलता है, कैसे पानी निकालना है उसके बारे में बताया हुआ है, और जो कवर है वो कैसे अटैच होगा उसके ऊपर से, ठीक है। तो जैसे जो इसके ऊपर कवर अटैच होगा उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो दोस्तों अब खोल लें इसको। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के हम हटाते हैं इसकी ये यहाँ से टेप, और इसमें देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमारे को क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, अपने नाखून का ही यूज करेंगे इसको खोलने के लिए। तो हमने सारी तरफ से टेप हटा लिया ना शिवाय, अब हटा ले खोलने से। चलो अब शिवाय कह रहे हैं खोलो, तो हम खोल लेते हैं दोस्तों इसको। ये हमने हटाया ये चीज और ये, अब इसके अंदर शिवाय बताना पड़ेगा ना बेटा क्या क्या चीजें मिलती हैं हमारे को इसमें। तो दोस्तों ये कुछ मिलता है इस टाइप की पैकेजिंग में, आप देख सकते हो एक बॉक्स इधर है, एक बॉक्स इधर है, और वहां पे भी कुछ अटैचमेंट है। इसके बारे में दोस्तों ये मैं देखूं तो ये मैं देखता हूं क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में। दोस्तों ये मैनुअल दिया हुआ है कि कैसे ये सेटअप होगा पूरा स्पा, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके साथ हमारे को मिलती है ये वाली एक बुकलेट, जो कि बहुत मोटी है, इतनी तो मैंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन ये फिर भी इतनी मोटी बुकलेट हमारे को मिलती है। इसके साथ हमारे को दोस्तों एक और चीज मिलती है, जो कि तो ये पीवीसी टाइप के मटेरियल में है, इसमें ये लिखा हुआ है सेफ्टी साइन। अगर आप इसको कहीं कॉमर्शियल सेटअप कर रहे हैं तो ये सेफ्टी साइन फ्रेम करा के या इसको कहीं चुपका के रखिएगा जरूर। तो इन तीनों चीजों को दोस्तों हम रख लेते हैं अभी साइड में, और इससे हम निकालते हैं इक्विपमेंट की, क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट हमारे को और देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमारे को इस पॉलिथिन के अंदर मिलता है दोस्तों ये, जो कि है इस स्पा का टॉप कवर, ये मैं निकाल के साइड में रख लेता हूं। और भी हमारे कोई चीज मिलती है,
दोस्तों ये भी हमारे को कोई चीज मिलती है। अभी हम देखते हैं कि ये क्या चीज है, फिर इसको इंटरप्रेट करके देखेंगे ये क्या चीज है। इसको अभी हम रखते हैं साइड में। दोस्तों हमारे को इसमें मिलता है एक ये बॉक्स और तो बहुत भारी है। दोस्तों इसमें भी कोई हमारे को एक आइटम मिलती है। मेरी ख्याल से जो स्पा का मेन बॉडी है वो ये है। आपको दू ये लो, ये लो। हाँ पकड़ो पकड़ो, छोड़ मत देना, छोड़ मत देना। बस 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 छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, रखवा दो। वेरी गुड। तो शिवाय ने भी हमारी मदद करी इसको रखवाने में। और दोस्तों हमारे को इसमें जो मिलता है दूसरी चीज वो है ये मशीन। ये देख रहे हो आप, ये मशीन दिखाई दे रही है। तो ये है ना मशीन है ना। तो शिवाय रखवाएगा, शिवाय ये लो। हाँ देखो ध्यान से, बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ दोस्तों और इसके अंदर हमारे को कुछ नहीं मिलता है। ये हो गया बॉक्स पूरा खाली, इसको भी रखते हैं साइड में। तो अब हमारे को दोस्तों जो चीजें मिली हैं वो मिली हैं हमारे को 1, 2, 3, 4 और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पॉलिथीन के अंदर है वो हम खोल के देखते हैं कि इस पॉलिथीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो चीज है दोस्तों टेप से ही मिलती है, हमारे को टेप लगी हुई है इस पे और एक पॉलिथीन है। देखिए पॉलिथीन रखता हूँ दोस्तों मैं साइड में, और ये जो मिलता है ओके। तो दोस्तों ये मिलता है हमारे को कवर उस पर चढ़ाने के लिए, जो ये है ना हमारा क्या कहते हैं स्पा, इसके ऊपर चढ़ाने के लिए हमारे को ये मिलता है ये वाला कवर, जो कि एकदम वाटरप्रूफ है और सबसे ऑसम क्वालिटी का मिलता है। आप पास से भी देखोगे ना तो बहुत ही मींस अच्छी क्वालिटी है। ये है ये विनाइल ही, लेकिन बहुत सुप्रीम क्वालिटी की है। जो टेंट्स वगैरह में यूज होता है वाटरप्रूफ, वो इसमें वो वाला मटेरियल यूज किया गया है। तो इसको भी मैं रखता हूँ दोस्तों साइड में। अब हम खोलते हैं ये क्या चीज है। दोस्तों ये पॉलिथिन में दूसरी चीज मिलती है, ये कोई इन्फ्लेटेबल चीज है, वो भी मैं देखता हूँ ये क्या है। तो दोस्तों ये पन्नी में से मैंने निकाल ली ये वाली चीज, ये देखते हैं ये हम क्या चीज है। पॉलिथिन को रखते हैं साइड में। जहां तक है दोस्तों ये वो ही है जो इसको कवर करेगी स्पा को, सर्कुलर शेप में होगी ये। हाँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये जो है इस वाले कवर के अंदर सेटअप हो जाएगी। इसको इन्फ्लेट करना है और ये कवर इसके ऊपर से इसको कवर कर लेगा। ये भी हम करके दिखाएंगे अभी, मीनवाइल इसको रखते हैं अभी हम साइड में। अब ये मिलती है हमारे को इसमें मशीन, तो इसका भी हम यहाँ से टेप हटा लेते हैं आसानी से, मींस अपने नाखून से ही। तो दोस्तों इसको नाखून से ही हटाना है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज मत करना किसी भी चीज में। तो ये टेप वगैरह जो भी है इसको आप अपने नाखून से ही हटाइएगा, वो ही सही रहती है। तो इसके अंदर हमारे को दोस्तों ये देखिए ऊपर टॉप जो हमने जैसे ही इसको अनबॉक्स करा, इसके अंदर जैसे कि हमने इसको करा तो हमारे को मिलते हैं इसमें कुछ नोजल्स जो कि इस पॉलिथीन में पैक्ड है। ये हमारे को मिलते हैं फिल्टर्स, ये भी एक फिल्टर है दोस्तों, ये देखो आप, ये भी एक फिल्टर है। ये खोल के मेरे ख्याल से इसके अंदर हमें ये वाला फिल्टर लगाना पड़ेगा। इसमें लगा हुआ एक आया है पहले से, इसको हम कर देते हैं बंद और इसको रखते हैं अभी इसको भी साइड में। ये भी हमारे को कुछ नोजल्स मिलती हैं फ्रेंड्स, तो हम निकालते हैं थर्माकोल, इसको रखते हैं साइड में। ये रहा दोस्तों इसकी मशीन जो इसको इन्फ्लेट करेगी और इसमें बबल्स लाएगी। तो हम इसको आराम से पकड़ के निकालते हैं बाहर। शिवाय मदद करना जब ये बाहर निकले तो। इसमें दो दो लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको निकालने के लिए इस वाली मशीन को। तो ये निकल गई दोस्तों, ये रही इसकी मशीन और ये एक पाइप भी मिलता है। ये हम सारी चीजें बताएंगे कैसे कैसे यूज होंगी। और इसको ये आप देखते हो, इसका ये स्विच है सॉकेट, इसके अंदर ये एसपीडी कंट्रोल लगा हुआ होता है जिससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक और इन सब से आप बच जाए। तो ये अभी हम रखते हैं इसको भी साइड में। ये सारी बेसिक जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये सारी चीजें लगती जाएंगी। ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, ये दे।
मजा आ रहा है आपको? हाँ। कितना बड़ा? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये सारी मशीनरी हमने कर ली है अनबॉक्स, ये सारी हमने सारी इक्विपमेंट यहाँ पे रखी हुई है। अब हम जा रहे हैं अनबॉक्स करने, जो कि है ये मेन स्पा। ये रहा दोस्तों हमारा मेन स्पा, इसे भी हमारे को किसी नुकीली चीज से नहीं खोलना है, और जहां पे हमें इंस्टॉल करना है इसे वहां पे मेक श्योर कि सारी जगह साफ हो, कोई भी नुकीली चीज ना हो। ठीक है? ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो हम इसको नाखून से हटाते हैं टेप दोस्तों। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हम इसको आसानी से खोलें, कोई भी नुकीली चीज ना लगाएं, और टेप जितनी हट सके हमारी उंगलियों से ही हमें उससे ही हटानी है। उंगली से नहीं हट रही? हटेगी। हाँ हटेगी। तो हमने ये हटा लिया दोस्तों, ये टेप, और टेप को रखते हैं साइड में, और इसके रखते हैं पिटकारी साइड में, और ये खुल चुका है। वाओ शिवाय ने खोल दिया, वाओ। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्पा जिसमें हम नहाएंगे। इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ओ माय गॉड, इसको तो उल्टा ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उल्टा। उफ, इसको रखते हैं दोस्तों साइड में बॉक्स को, क्योंकि ये बहुत भारी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्पा, जैसे कि आप देख सकते हो ये पॉली पैकिंग में आता है, और इस पूरी पॉलिथीन के अंदर बंद रहता है, और इस पे लगी होती है टेप। तो हम आराम से हटाएंगे दोस्तों इसकी टेप, और फिर निकालते हैं अपने स्पा को बाहर, और फिर लगा के देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसको इन्फ्लेट करते हैं, फिर पानी भर के इसके अंदर नहाएंगे। हाँ दोस्तों हमने हटा ली है टेप, अब हम निकालते हैं स्पा को बाहर। वेरी गुड। ये रहा हमारे स्पा बाहर दोस्तों। ये तो बहुत ही एकदम सुप्रीम क्वालिटी लग रही है। देखो आप पास से देखो इसको, मटेरियल को अगर आप देखोगे ना तो आपको खुद पता लगेगा ये वैसा पीवीसी टाइप का मटेरियल नहीं है, बहुत ही सॉलिड मटेरियल है। मींस है ये विनाइल ही, लेकिन बहुत ही मोटी विनाइल है ये, और इसको हम धीरे धीरे खोलते हैं। तो ये रहा दोस्तों स्पा, इस पे हमारे को कुछ चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, जैसे कि ये कैसे सीधा लगाना है, इसको फुला के टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं इस पे। और इसको दो बंदे उठाएं, एक बंदा सरका के ना घूमे इसको। और इस पे आप देख सकते हो जो ये चीजें हैं, हर एक बकल पे ये सारी चीजें मेंशन हैं। जो इसमें हवा भरेगी वो ट्यूब ये रहा। तो इसमें हमारे को लगाना है नोजल, जो कि हमारे को मिलता है ये रहा इसके अंदर। तो ध्यान रखिए एक जो पॉलिथिन आती है इसके साथ, इसके अंदर हमारे को मिलता है नोजल, और वो नोजल हमारे को इसमें फिट करना है, इंस्टॉल करना है। ऐसे इंस्टॉल कीजिएगा, इसके अंदर लग के ऐसे आपको घुमाना है। तो एक बार ये इंस्टॉल हो गया, फिर आपको यहाँ से इसको खोल लेना है और इसको इन्फ्लेट करना है। तो जो आप इन्फ्लेट करोगे तो उससे हवा बाहर नहीं निकलेगी। अब हमारे को एक और चीज़ करनी है, जो कि है ये पाइप। ये पाइप से हम इसके अंदर हवा भरेंगे, तो इसको हम लगाएंगे पाइप को यहाँ पे, और ये जो हवा भरने का ऑप्शन है इसके अंदर वो हम लगाएंगे यहाँ पे, और इसको ऐसे करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो दोस्तों हमने सब कुछ कर लिया है सेटअप, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि इसको हमने सबसे पहले कनेक्ट करा पावर कॉर्ड से, जो कि अब यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी वो थोड़ा फैला हुआ है, हमने अनबॉक्सिंग करी है। और इसका नीचे होते हैं दो बटन, एक होता है आपका रीसेट का और एक होता है टेस्ट का। तो आपको क्या करना है दोस्तों, रीसेट का बटन दबाना है। जैसे ही आप रीसेट का बटन दबाओगे उसमें चलेगी एक लाल रंग की LED, और यहाँ पे आ जाएगी आपके लाइट। आपको इसको ऑन करना है, तो आपको 3 सेकंड तक, ये फेदर टच है दोस्तों, आपको सिर्फ टच करके रखना है। तो आपने देखा होगा ग्रीन रंग की लाइट जल जाएगी। अब दोस्तों जैसे कि आप इधर मैं आपको दिखाऊं, तो ये स्पा है, ये स्पा हमने इसको खोल लिया है। अब इसके अंदर हमारे को मिलते हैं ये मल्टीपल नोजल। ये नोजल तब काम आएंगे जब ये पूरा इन्फ्लेट हो जाएगा, और ये जो आप मेटल का देख रहे हो ये है इसका ड्रेन पाइप, जो स्पा का पानी आपको निकालना है, इससे कनेक्ट करके आप अपने गार्डन में ड्रेन कर सकते हो। तो नंबर वाइज दोस्तों हम एक काम करेंगे, इससे पॉलिथीन हटाएंगे हम आराम आराम से। तो आप देख सकते हो ये 3 नोजल हमारे को मिलते हैं, और चौथी नोजल मिलती है दोस्तों वो ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने ये वाला जो इसका वॉशर है वो लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारे को इसको लॉक करना है और इसको लगा देना है यहाँ पे। फिर दोस्तों हमने जो इसका पाइप है इसका दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया है अभी इस मशीन के इस वाले पॉइंट से, जो कि सिर्फ हवा निकालता है।
तो ये इसमें हमारे को पाइप को घुमाना नहीं है, सिर्फ इससे लॉक करके ये वाला पाइप इससे अटैच हो जाएगा। अब जब दोस्तों हमारे को इसको इन्फ्लेट करना है, हमें कुछ नहीं करना, इसमें जो बबल्स वाला साइन है उसको दबाना है। तो दोस्तों हमने भर ली है इसके अंदर हवा। अब आप इधर आइए, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब जैसे ही हम पाइप को निकालेंगे तो आप जैसे कि देख सकते हो, एक सेकंड रुको, हवा नहीं निकली। तो मेक श्योर कि आपका नोजल टाइट हो और इसको हम कर दें ऐसे बंद, क्योंकि ये है वॉशर वाला आपका अरेंजमेंट। अब दोस्तों हमारे को क्या करना है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीजें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। तीन नोजल यहाँ पे है और यहाँ पे भी तीन नोजल बसते हैं, हमें इनको करना है कनेक्ट। तो इस मशीन को हमें करना है सबसे पहले ऑफ, तो ये ऑफ मोड में चली गई। और अब हमें लेके आना है इन तीन नोजलों को, जो ये तीन नोजल है इनके पास में, और इसको करना है कनेक्ट इनसे। लेकिन मेक श्योर दोस्तों, इनको कनेक्ट करने से पहले जो इसका कवर है पूल का, उसको भी आप इन्फ्लेट कर ले। तो वो भी मैं आपको इन्फ्लेट करके जल्दी से दिखा देता हूँ। अब जो वाला पाइप था हमारा, ये वाला, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस वाले होस के साथ, और इसको कनेक्ट करके इसमें चलाते हैं हवा। मैं जल्दी से निकालते ही दोस्तों इसको कर देना है ऐसे बंद, क्योंकि इसमें वो वाला नोजल नहीं लगा हुआ है। तो मेक श्योर कि ये जो नोजल है ये पूरा अंदर तक जाए, इसकी डेप्थ तक। और इसको कर देते हैं हम अंदर सी। तो दोस्तों देखा आपने, इसका कवर होता है ऐसे तैयार। तो दोस्तों अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को ये वाली मशीन को कनेक्ट करना है अपने इस वाले सिस्टम से। तो हम कर देते हैं पहले मशीन को बंद, सॉरी वो बंद ही थी, मैंने ऑन कर दी, माय मिस्टेक। अब मैं करूंगा दोस्तों बंद, और नीचे आइए आप, थोड़ा फोकस अपना नीचे खींचिए। ये वाला जो एग्जिट पाइप है ये आपको ध्यान रखना है, ये बंद ही हो अंदर से भी बाहर से भी। और आपको इस वाली मशीन को इन होल से अलाइन करना है, जो ये तीन है, और यहाँ से अलाइन करके आपको फिर करने हैं वन बाय वन ये सारी चीजें टाइट। जहां तक ये इजीली मूव हो रहा है वहां तक करना है, उससे ज्यादा फोर्स हमें नहीं लगानी है। ये हो चुका है, ये भी टाइट, ये भी टाइट, और ये भी टाइट। क्या करना है, क्या करना है, अब हमारे को इसमें भरना है पानी, फिर देखते हैं क्या करना है। पानी भर रहा है। तो दोस्तों हमने कर दिया है इसमें पानी भरना चालू। आप भी जानते हैं शिवाय कितना एक्साइटेड है इस प्रोडक्ट को लेके। तो अब हम इतना पानी भर के क्या करेंगे शिवाय, नहाएंगे? नहीं। नहाएंगे कैसे, नहाते हैं? अच्छे। तो हम नहाते हैं दोस्तों इसमें, इसका पूरा जेट ऑन करके देखेंगे, गर्म करके देखेंगे, ठंडा करके देखेंगे, हर तरीके से देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, रिलैक्स करता है, नहीं करता है।
स्पा, देखो पानी भी भर लिया हमने, मशीन भी सेट है, टेम्परेचर सेट है अभी 26 डिग्री सेल्सियस पे पानी का, वो आप देख सकते हो मैंने उसको 20 डिग्री पे कराया तो वो धीरे धीरे रोटेशन से गर्म कर देता है। तो दोस्तों बचाने वाले मैं बताऊंगा इसमें, मैंने माइक ये अपना बाहर निकाला हुआ क्योंकि अगर गलती से मैं गिर जाऊं या इसमें कुछ भी हो जाए तो ये नहीं होना चाहिए। इकलौता माइक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो जिससे हम वायरलेस माइक ले और हम अच्छी वीडियो और बना सकें। अब आ जाओ दोस्तों यहाँ पे, अब जैसे कि हमने बहुत देर से इसको टेम्परेचर सेट पे रखा हुआ है तो ये लॉक हो जाती है स्क्रीन, हम इसको दबा के रखेंगे अनलॉक करेंगे तो ये हो गई है अनलॉक। ये वाला ऑप्शन होता है दोस्तों टाइमर का कि अगर आपको टेम्परेचर की रोटेशन रखनी है, 3 घंटे रखनी है, 4 घंटे रखनी है, 6 घंटे रखनी है तो इसमें आप टाइमर लगा के इसको सेट कर सकते हो कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे ये घूमता रहेगा। ये वाला फंक्शन है दोस्तों बबल का जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिससे ये स्पा के नीचे जो बबल्स निकलते हैं वो इकट्ठे स्टार्ट हो जाएंगे। ये सेंटीग्रेड और ये फेरनहाइट के अंदर, जो सेल्सियस और फेरनहाइट के अंदर डिफरेंस करने के लिए होता है तो यहाँ पे फेरनहाइट में चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा दबाऊंगा इस समय दोस्तों पानी गर्म हो रहा है, ये देख सकते हो आप साइन, और ये है पानी रोटेशन का, मीन्स फिल्टर के थ्रू पानी रोटेट होके इस मशीन में गर्म होके जा रहा है, इसकी वजह से ये साइन चल रहा है। ये वाला होता है दोस्तों टेम्परेचर ऊपर नीचे करने का जो कि मैंने सेट करा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको इस स्पा की एक यूनिक चीज बताऊं जो कि है, अगर मैं उसको ऑन करता हूं, एक्टिवेट करता हूं, कौन सा बटन, वो बुलबुले वाला जिसके अंदर क्या होता है वो जेट अपना शुरू कर देता है, नीचे बुलबुले लगते हैं, निकलने लगते हैं, देखना है आपको, देखना है, मैं एक्साइटेड हूं, मुझे देखना है। अब मैं जल्दी से वो दबा रहा हूं, 1 2 3। दोस्तों कमेंट में लिखो मजा आया नहीं आया। अब मैं जा रहा हूं, मैं देखो दूसरे आउटफिट भी चेंज करके आया हूं, मेरे को नहाना है इसके अंदर, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, अब मैं नहा के दिखाऊंगा आपको इसमें कि कितना मजा आता है। दोस्तों पहले के मुकाबले पानी गर्म हो चुका है, अब मैं करता हूं ऑन इसका जेट। आई एम सो यार ये तो बहुत मस्त चीज है, मजा आ गया। इसमें ना जो बुलबुले हैं पानी के वो एकदम से आ आ के ऐसे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पानी कोई आके ऐसे पुच्ची करके जा रहा है। ओह माय गॉड, अभी थोड़ा ठंडा पानी है इसकी वजह से थोड़ी ठंड लग रही है, अब मैं इसमें आराम से रिलैक्स होकर बैठता हूँ फिर सही लगेगा। ठंडा पानी है, एक डुबकी मार दो, डुबकी मार दो, डुबकी मार दो, 1 2 3। दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो पूरे दिन में, बहुत थक जाते हो, फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, इसमें आओ, इसको लगा के जाओ, टेम्परेचर को कितने पे सेट करना है और आके इसमें बैठो, एक बटन दबाना है आपको बबल्स वाला। अब मैं आपको स्पा के बारे में बताता हूँ जो मैंने नहा के महसूस करा, 1 घंटा हो गया मेरे को। इसके अंदर नीचे का मैट है वो फोम वाला है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके बेस के अंदर
10 mm means यानी कि 1 cm जितनी मोटी फोम लगी हुई है जो कि एक पैडी फीट देती है। अगर आप यूं धड़ाम से भी बैठोगे ना, धड़ाम से भी बैठोगे तो उसके अंदर आपके घुटने घुटने कुछ भी यानी कि लगने नहीं वाली है। दूसरी चीज इसकी बात करूं दोस्तों, अगर आप इसमें ऐसे भी करके बैठते हो और पीठ लगा के बैठते हो तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये वैसी पीवीसी नहीं है दोस्तों, जैसा आप पूल में यूज करते हो वैसी पीवीसी नहीं है, ये बहुत हार्ड पीवीसी है, बहुत मोटी पीवीसी है। ये आपकी बैक को पूरा सपोर्ट करती है। इसको भी मजा आ गया ना, आगे देख लो बच्चा कितना चिल्ड आउट है। स्पा के अंदर अगर आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, अगर वो 4 मेंबर्स इकट्ठे से स्पा में आ जाते हैं तो आप इकट्ठे मिलके एंजॉय कर सकते हो स्पा का। तो दोस्तों ये थी इसकी अनबॉक्सिंग और मैंने नहा के जो आपको रिव्यू दिया, बहुत ही रिलैक्सिंग है। अब दोस्तों मैं जाता हूँ, चेंज करके आता हूँ, उसके बाद मैं इस पे लगाऊंगा इसका कवर और इसको पैक कर दूंगा जिससे और भी फैमिली मेंबर्स मेरे इसमें एंजॉय कर सके। तो ये रहा दोस्तों कवर, और इस पे आप जैसे कि जानते हो इस पे हमारे को क्या लगाना है, क्लिप लगानी है, कुछ नहीं करना दोस्तों। ये रहा, ये इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं और इसको लगा देते हैं क्लिप। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पूरा सेट, कवर को ढक दिया है, 2 जगह से क्लिप लगा दी है, बाकी जगह से अभी मैं लगाऊंगा। और आपने देखा ना, अरे खत्म करना है यार भाई, तू खत्म नहीं कर रहा। अगर वीडियो पसंद आई है तू भी बोले जा रहा है तो बोल, नहीं छोड़ ना कुछ मत बोला, वो हो गया।